प्रदेश के साक्षर जिला में एक ऐसा स्कूल जहां पर सरकार की बेरुखी और अनदेखी है, जिसके चलते मिडिल स्कूल अम्बोटा में अध्यापक ही स्कूल की घंटी बजाते हैं तो चपरासी का सारा काम भी करते हैं। जी हाँ, जिला के बड़सर विधानसभा का एक ऐसा स्कूल जहां पर अध्यापकों की कमी का खामियाजा नौनिहाल भुगत रहे हैं और सालों से अध्यापक स्कूल से किनारा करने की वजह से दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या घटती जा रही है। ये बात बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अम्बोटा मिडिल स्कूल की है, जहां पर केवल 11 बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये स्कूल दशकों से सरकार की नजर इनायत को तरस रहा है, लेकिन इस स्कूल पर कब सरकार अपनी नजर इनायत करेगी इसका किसी को पता नहीं है। आपको बता दें कि चारों ओर से नालों से घिरे हुए अम्बोटा मिडिल स्कूल में कोई भी अध्यापक ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि चारों ओर से नाले हैं तो स्कूल बिल्कुल ही सुनसान जगह पर है और स्कूल तक पहुंचने के लिए पगडंडी से आना पड़ता है तो 3 किलोमीटर तक पैदल का सफर भी करना पड़ता है। मिडिल स्कूल अम्बोटा के लिए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहे तो उसे रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ रास्ते के नाम पे कुछ नहीं है और एकमात्र सुनसान रास्ता है। रास्ते के बीच में चारों तरफ नाले आते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि सुनसान नाला है, जहाँ से होकर ही रोज सुबह शाम स्कूली बच्चे जाते हैं और जान जोखिम में वो बच्चे आते जाते हैं, लेकिन आज तक दिन तक ना तो सरकार ने इस बाबत कुछ किया है और ना ही प्रशासन ने, तो समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि अम्बोटा स्कूल में यहाँ पे संख्या की जो अब बच्चों की संख्या वो दिनों कम होती जा रही है और इस वजह से यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं आना चाह रहा है, तो ये समस्या पूरी तरह बरकरार है। आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे जो स्कूली बच्चे हैं वो अभी छुट्टी हुई है स्कूल से, तो वो घर जा रहे हैं, तो एक नाला क्रॉस कर रहे हैं, तो ये समस्या बरसात में तो काफी भयंकर थी। बेटा, आप डेली इसी जगह से जाते हो? यस सर। तो कोई और रास्ता नहीं है घर के? नो सर। तो बारिश थी पिछले दिनों काफी, पानी यहाँ पे नाला आया था? यस सर। तो भी मुश्किल होती थी? यस सर। तो घर कितना दूर है आपका यहाँ से? बस यहाँ से 1 किलोमीटर का दूर है। तो काफी समस्या पेश आती है। तो आपने अभी सुना कि एक नन्ही सी बच्ची जो कि सुनसान रास्ते से जा रही थी और उसका यही कहना था कि सिर्फ एकमात्र रास्ता है घर के लिए जाने के लिए, और जब बरसात थी तो काफी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता था। मिडिल स्कूल अम्बोटा में प्राइमरी में 7 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो मिडिल में केवल मात्र 4 ही बच्चे हैं।
बड़ी हैरानी की बात है कि प्राइमरी स्कूल में केवल मात्र एक ही महिला अध्यापक तैनात है तो मिडिल स्कूल में दो ही अध्यापक हैं। वहीं हालात ऐसे हैं कि स्कूल में 10 सालों से पीटीआई का पद 10 सालों से खाली चल रहा है तो ड्राइंग मास्टर, संस्कृत, हिंदी और चपरासी के पद भी खाली चल रहे हैं, जिसके चलते मिडिल स्कूल में अध्यापकों को ही खुद पीरियड के लिए घंटी बजानी पड़ती है तो शौचालय भी खुद ही साफ करने पड़ते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि प्रदेश सरकार जहां एक ओर सरकारी स्कूलों में हर सुविधा मुहैया करवाने के दावे करते नहीं थक रही है, वहीं अम्बोटा मिडिल स्कूल की अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की घटती संख्या से स्कूल के बंद होने के आसार बने हुए हैं। हालांकि राजनेताओं ने भी कई बार स्कूल में स्टाफ की तैनाती करने के लिए आश्वासन दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। एसएमसी प्रधान ने बताया कि कई सालों से अध्यापकों के पद रिक्त चले हैं और इस कारण लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकालकर निजी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार एसएमसी के माध्यम से भी प्रस्ताव डालकर विभाग से रिक्त पदों को भरने के लिए कहा गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। सर जी हाँ, 1972 च बनी स्कूल प्राइमरी मिडिल स्कूल 2004 च। सर जी इतनी सर कई बहुत प्रॉब्लम इतनी सर, बाय चांस बच्चा बीमार हो जाए या सरकारी कर्मचारी बीमार हो जाए तो सर जी डॉक्टर आगे किन्ने पहुँचाना सर, पर फिर सुविधा ही सरकार। सर जी इतनी 10 साल से पीटीआई नहीं है सर जी, थी 6 साल से ड्राइंग सर नहीं है और 1 साल से शास्त्री मैडम। आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं, स्कूल को ट्रांसफर बंद करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं सर जी, इसको यहाँ टीचर चाहते हैं क्या? टीचर चाहते हैं हम सर जी, यहाँ टीचर चाहते हैं हम कि यहाँ पर टीचर हो। तो स्कूल में तो देखो बच्चों की संख्या बड़ी कम है, 6 या 4 बच्चे सर जी। यहाँ पर टीचर कम हुए तभी बच्चे कम हुए यहाँ पर, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर टीचर आए। मिडिल स्कूल इंचार्ज जोगिंदर सिंह ने बताया कि स्टाफ न होने से खुद ही स्कूल का सारा काम करना पड़ता है और चपरासी तक न होने से शौचालय भी खुद ही साफ करने पड़ते हैं तो घंटी भी खुद ही बजानी पड़ती है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द रिक्त पद भरे जाएं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जल्द रिक्त पड़े स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि स्कूल को बंद होने से बचाया जा सके। मैं जोगिंदर सिंह, राजकीय माध्यमिक पाठशाला अम्बोटा का इंचार्ज। तो यहाँ जो है वो बच्चे जो, जब मैं 1972 में यहाँ एक प्राइमरी स्कूल में जेबीटी टीचर लगा तो 45 बच्चे थे, तो हमारा स्टाफ जो तो पूरा था। आज मैं यहाँ प्रमोट होकर मिडिल में आया हूँ तो यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ जो दिन प्रतिदिन घट रही है, क्योंकि यहाँ टीचर नहीं है। 6-10 साल से तो पीटीआई नहीं, यहाँ पे 6 साल से ड्राइंग मास्टर जी चले गए हैं, तो 1 साल से शास्त्री जी नहीं है, 2 साल से पी नहीं है, घंटे भी खुद बजानी पड़ती है हमें, बच्चों को खुद तैयार करना पड़ता है सारा। 2-3 साल पहले हमारे बच्चे जो हमने ही तैयार किए थे, दो उस टाइम 12-14 बच्चे थे, तो क्वाड्री में वो सेमीफाइनल में आ रहे जाकर डिस्ट्रिक्ट में। आज कितने बच्चे? आज हमारे स्कूल की ये दयनीय हाल तो हो गया कि 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 छठी में हैं, 2 आठवीं में, 7वीं क्लास खाली चल रही है। अगले साल एक भी बच्चा नहीं आएगा मिडिल में, छठी में, क्योंकि 5वीं में वहाँ क्लास नहीं है हमारे प्राइमरी स्कूल में। तो यहाँ अगर शास्त्री टीचर आ जाए तो लोग बोल रहे हैं कि बच्चों को हम रखेंगे नहीं, तो हम बच्चों को 10-15 दिन के अंदर अंदर दूसरे स्कूल में ले जाएंगे, जिसके लिए विभाग जो है वो जिम्मेवार है। तो मेरी सरकार से यही गुहार है कि जल्द से जल्दी यहाँ ज़्यादा नहीं तो शास्त्री टीचर भेज दें ताकि ये स्कूल चला रहे, नहीं तो ये स्कूल जो बंद होने की कगार पर है। शायद हमीरपुर जिला में ये पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ चारों ओर पानी के नाले हैं, क्योंकि स्कूल के पास पहुँचना किसी आम व्यक्ति की बात नहीं है, तो ऐसे में अध्यापक वहां पे कैसे पहुंच सके। वहीं स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों ने बताया कि स्कूल के लिए ठीक रास्ता तक नहीं है, जिस कारण हर वक्त बच्चों की चिंता सताती रहती है, क्योंकि स्कूल के आसपास नाले हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि हर बार जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से इस बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई भी इस समस्या का निवारण नहीं कर सका है। देखा जी, एक तो हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, पूरे टीचर नहीं है, और बच्चों को ये मुश्किल है कि आना जाना जो है, कैसे बच्चे पहुँचवाने स्कूल में, कैसे ले जाने, बहुत दिक्कत है इस बात की, तो कोई सुनवाई नहीं है हमारी, कहीं भी नहीं है। और क्या करना, बच्चों को तो बहुत ही बड़ा मुश्किल है भेजना,
रास्तों में आना जाना बहुत ही प्रॉब्लम है। मिर्ग हो, जानवर हो या कोई आदमी हो, तो बहुओं भी कैसे आएगी और बच्चे भी कैसे आएंगे। किसी ने कोई बात नहीं की ना आज तक, ये हुआ मास्टर टीचर नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कहीं जाएंगे, जंगल है चारों तरफ से, जंगल है, छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी की थी मांग, पर सुनवाई नहीं हुई हमारी। रास्ता पैदल करने पड़ता है, इसलिए कोई सड़क नहीं है और आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है। सरकार से मांगे की अमीरपुर गए, कहीं भी हमारी सड़कों की, गांव को कोई भी सुविधा नहीं है, कहीं से भी नहीं है। इलेक्शन वोट लेने के लिए आ जाते हैं और बाद में कोई नहीं पूछता। तो आपने विधायक से मांगनी की? विधायक से भी की, डीसी के पास भी गए, हर जगह पर गए हम। गांव के लिए सड़क होना चाहिए, पानी होना चाहिए, स्कूलों के लिए सड़क। उन्होंने बोला कि फिर आएंगे, हम पता करेंगे, एसडीएम से पता करेंगे, कहीं जाएंगे पता करके आपको बताएंगे। अब जाने वाला कोई गांव से भी नहीं लड़ा, और जो प्रधान है वो भी नहीं, कोई भी नहीं सुनवाई करता हमारी। गांव में जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सड़क तक कैसे पहुंचाते हैं आप? चार पाई पर उठवा के घसीट के, औरतें होती है नहीं मिलते है मर्द उठाने वाले, तो घसीट घसीट के ले जाते हैं पकड़ पकड़ के। क्या करना, ऐसी प्रॉब्लम है, बैठ बैठ के बहुत मुश्किल है। ना तो हॉस्पिटल है, ना सोसाइटी है, ना बच्चों को पीने को पानी भी नहीं है, नलके भी नहीं है कई गरीबों के लिए, पैपे भी नहीं है, कोई कोई ये सुविधा नहीं है हमारी। ऐसी बात है, अब हम ही है, हमारे पास कोई नलका नहीं है, हम पैपे नहीं लगा सकते, हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो क्या करें? अरे यहाँ सड़क की सुविधा नहीं है, ज्यादा मेन प्रॉब्लम वो है, तभी बच्चे नहीं आ पाते हैं। और टीचर भी चाहिए यहाँ पे, टीचर भी नहीं है। एप्लीकेशनें भी दी, सब कुछ किया, फंक्शन में भी गए, सब जगह गए, शिक्षा मंत्री से यहाँ फंक्शन में आते हैं रोपड़ी में, वहाँ भी बात की, मगर उन्होंने भी बोला आके देखेंगे, मगर किसी ने भी देखा नहीं आके। एक बार बोल के चले जाते हैं, वापस कोई नहीं आता है। आजकल के टाइम में भी ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे आके देखो कि लोग कितनी मुश्किल से रहते हैं। यहाँ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पा रहे हैं, वो क्यों पा रहे हैं? सुविधा के लिए। यहाँ क्या सुविधा है? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद ये बैकवर्ड एरिया है, कोई भी यहाँ आना नहीं चाहता है। शादी करके भी आ रहे हैं तो भी बोल रहे हैं यहाँ कैसे आना है, कैसे जाना है, कोई दिक्कत ऐसी प्रॉब्लम आ गई है। एस्टूडेंट्स इन लाइव फोनों पर डिप्टी डायरेक्टर देशराज फरबाल ने भी बेरुखी दिखाते हुए पहले तो इस मामले पर पल्ला झाड़ा और बाद में कहा कि मिडिल स्कूल में दो से तीन ही अध्यापक होते हैं और बच्चों की कमी पर बोला कि और बच्चों के स्कूल में कमी पर बोले कि विभाग का काम नहीं है स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना। फोन पर क्या कहते हैं डिप्टी डायरेक्टर? हेलो नमस्कार सर, देशराज जी बोल रहे हैं। सर मैं न्यूज चैनल हमीरपुर से मीनाक्षी बोल रही हूँ, आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। हाँ जी सर, ये कई बड़सर के अंडर आता है स्कूल अम्बोटा। हाँ जी। वहाँ पे सर काफी टाइम से जो है वो टीचरों के खाली पद चले हैं, तो विभाग जो है वहाँ पर टीचरों को क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है? क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहा है ये बात तो क्यों का तो कोई मतलब नहीं। आजकल चली है कौन सा स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल है सर। तो मिडिल स्कूल में भी जो चली है अपॉइंटमेंट आजकल कौन से टीचर नहीं है वहाँ? शास्त्री नहीं है, एलटी नहीं है या क्या है? वहाँ पे सिर्फ दो ही टीचर हैं सर, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। एक वहाँ पे मुख्य अध्यापक हैं और दूसरे वहाँ पर एक मैडम है सिर्फ। तो दो तीन ही टीचर होते हैं मिडिल स्कूल में, तीन क्लासों के लिए कितने टीचर होते हैं? छह थोड़ी नहीं होती है, आरती के नियमों के अनुसार होंगे वहाँ। साथ ही सर अगर बात करें तो वहाँ पे बच्चों की भी काफी कमी है, तो बच्चों की कमी तो लोगों ने दाखिल करने ना, वो बच्चे तो हमने भी दाखिल करने हैं। अब वो स्कूल चले हैं, प्राइवेट स्कूल भी चले हैं, बाकी भी चले हैं, बच्चों को फ्रीडम है, वो कहीं भी पढ़ सकते हैं। बच्चों की कमी के लिए हमको ऐसा तो है नहीं है कि सरकार दोषी है या कोई ऐसा दोषी है। तो सर आप मानते हैं कि वहाँ पे दो ही टीचर है और दो ही होने चाहिए? आरटी के नियमों में दो ही टीचर होंगे, उन्हें उसमें तीन टीचर होंगे, लेकिन तीसरा टीचर जो है वो आजकल चली हुई है अपॉइंटमेंट से। तो इससे पहले
आज तक क्यों नहीं सर, जब आपके ध्यान में ये मामला था तो इससे पहले आज तक क्यों नहीं स्कूल की तरफ? हमारे ध्यान में जो मामले होते हैं जहाँ पर टीचर की आवश्यकता होती है वहाँ पर टीचर भेजे जा रहे हैं, रिपोर्ट में चली हुई है, उसमें टाइम लगता है, उस टाइम के अनुसार जहाँ से जहाँ जो कमी होती है उसको पूरा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी स्कूलों के टीचर भेजे जा रहे हैं, मिडिल स्कूलों के टीचर भेजे जा रहे हैं, चला हुआ है। तो वहाँ के लिए कब तक प्रोसेस जो है वो टीचर मुहैया करवा रहे हैं? कब तक का कोई नहीं होता है, कब तक कैसे, अभी प्रोसेस का काम जो है उसमें टाइम लगता है जी। आज तो कमीशन के पास है, कमीशन जो उसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है, और आप उसको तो मैं तो नहीं कह सकता कि आप कल कर दो जी। अपॉइंटमेंट चली है, अपॉइंटमेंट से जब नाम आ जाते हैं उसके बाद हम उनको आगे देते हैं, कमीशन को लिखा गया है जी। सारी पोस्टें जो है वो कमीशन के पास पड़ी है, कमीशन ने लिखे अपने वो लेकर रहते हैं इंटरव्यू, और उसके बाद जो लिस्टें फाइनल हो जाएंगी हमारे पास आती है, तब हम लोग जो है वो टीचर कर देते हैं सर। बाकी अगर आप पीजीटी की बात कर रहे हैं तो पीजीटी जो है शिमला से पॉइंट होती है, वो हमारे पास नहीं होती है। शुक्रिया सर। तो आपने ये देखी एज टुडे की एक स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि साक्षर जिला हमीरपुर में आज भी एक ऐसा स्कूल है जहां पर कोई भी स्टाफ नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल में कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि स्कूल के आसपास चारों तरफ नाले होने के कारण यहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल बनता है, जिस कारण यहां पर कोई भी स्टाफ आना पसंद नहीं करता है, और शायद यही एक कमी है जिसके चलते ये स्कूल अब बंद होने के कगार पे है। अब देखना ये होगा कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, और विभाग के कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से इस पर से पल्ला झाड़ा जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, और स्कूल में क्या बच्चों की संख्या बढ़ाई जाएगी या स्कूल बंद हो जाएगा।